कहना है कि आप बहुत ही कूल काम और बहुत अच्छे से दिमाग लगा के इस टीम को जिताते हैं, ये जो मिला है आपको जिताते हैं या नहीं जिताते हैं वो तो अभी पता चलेगा, मैचेस अभी शुरू भी नहीं हुए। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से जब आप कप्तानी कर रहे होते हैं, आपने किसी की तरफ बॉल फेंक दी एक बार, तो उसके बाद वो कैसी बॉल डालेगा नहीं डालेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप टेंशन लेके कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। एंड प्लस मेरे ख्याल से दिमाग जितना शांत रहता है उतना ज़्यादा कंट्रोल में रहता है, चलता भी उतना अच्छा है। जो कैप्टन है तो कोई प्रेशर है टीम का, क्योंकि लास्ट टाइम जो है टीम फाइनल में पहुंची थी, तो इस बार कोई प्रेशर होगा टीम का? प्रेशर तो हमेशा, देखिए कप्तान, मेरा मानना है कि जब जीतती है तो टीम जीतती, हारता है तो कप्तान हारता है। तो अगर हारेंगे तो फिर, और ये चीज़ मैंने उनको पहले से कह के रखी कि भैया हार की सारी जिम्मेदारी मैं अभी से लेता हूँ, लेकिन आप लोग सारे के सारे मिलकर कोशिश करिए कि अपनी तरफ से बेहद अच्छी परफॉर्मेंस दें, और 11 लोगों में से अगर आपको 3 बेहतरीन परफॉर्मेंसेज एक दिन में मिल गई तो मैच जीतने के लिए वो काफ़ी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू यू आपकी टीम में से अनमोल रतन कौन है आपके लिए? मेरे हिसाब से तो वो सारे के सारे 18 प्लेयर जो इस समय टीम के, जवाब तो दे दिया तुमने। और चैलेंजर्स से कुछ कहना चाहेंगे? तुम लोग कितने भी प्रैक्टिस कर लो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पुणे अनमोल रतन जीतने वाली है, और हमारे जो कैप्टन है वो हमको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने वाले हैं कि हम लोग ही जीतने वाले। सो कर लो फॉर्मेलिटी के लिए, प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है ना सर? इतना बस हो गया ना, और बोल दू? इसकी बात का बुरा मत मानना। अगला सवाल हो गया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में, कोई अकॉर्डिंग टू यू आपकी टीम में अनमोल रतन कौन? वरुण है हमारी टीम में, वरुण तो डेफिनेटली है, और कौन है? अंकुर, मोहित, एवरीबडी, अच्छी तान्या वन ऑफ द अनमोल रतन। अच्छा, आपकी बात करें तो आप बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करती हैं बॉलिंग? जो भी मुझसे हो जाए मैं करूँगी, मैं बॉलिंग भी कर रही, प्रैक्टिस कर रही हूँ, बैटिंग भी कर रही हूँ, तो वैसे बॉडी देख के मैं तो लगता है बैटिंग कर सकती हूँ। और चैलेंजर्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है खास अपनी तरफ से? नहीं, वो तो हमारे कैप्टन बताएंगे, अभी तो हमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं, अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो सब बनेगी जब अपने को मैच के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे तब। अच्छा, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है टीम को? हम लोग सब शूटिंग के बाद 10 बजे करीब मिलते हैं, 10 से 1 बजे प्रैक्टिस करते हैं, और अभी आज के बाद से और रेगुलर प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, और सब शूटिंग करने के बाद जब पहुंचते हैं वहाँ पे थके हारे लेकिन फिर जोश आता है सबके अंदर। चैलेंजर से कुछ कहना चाहेंगे? चैलेंजर से हम बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच।